दोस्तों कैसे हो। आज मैं ह्यूंडई सेंट्रो का इसका जो मल्टीमीडिया सिस्टम है यानी कि जो इसका म्यूजिक सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे कि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा है, अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो आपको बोरिंग फील होगा कि नहीं। हर कोई कार में म्यूजिक सिस्टम ठीक नहीं होता, तो इस कार के बारे में आज इसका म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस कार को खरीदने के सोच रहे हो तो अगर आपके मन में कोई डाउट है कि इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा है, आप तो चले जाएंगे शोरूम में, लेकिन वहाँ तो टेस्ट ड्राइव मिलेगा 5 या 10 मिनट का, तो आपको कोई अंदाजा नहीं होगा। तो आज मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि इसका जो टच स्क्रीन है वो कैसा परफॉर्म करता है और इसका जो म्यूजिक सिस्टम है यानी कि जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा है। तो चलिए दोस्तों आप खुद देख लेंगे कि इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा है। तो चलिए दोस्तों इस कार के अंदर जाते हैं और देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो पहले कार के अंदर चलते हैं। चलिए कार के अंदर और देखेंगे इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। दोस्तों ये जो टच स्क्रीन है ये 7 इंच का टच स्क्रीन है। तो पहले हम ये जो हमारा दूसरा फोन है इसको कनेक्ट कर लेते हैं और फिर कोई गाना चलाते हैं। तो मैंने ये गाना प्ले किया और आप खुद सुनिए इसका साउंड सिस्टम कैसा है। दोस्तों इसमें 4 स्पीकर है, हर डोर में एक स्पीकर है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो इस तरफ एक स्पीकर है, इसी तरह का 4 डोर में 4 स्पीकर है। और यह है इसका साउंड क्वालिटी। तो चलिए इसका जो साउंड सिस्टम है इसको पहले सेटिंग करते हैं। हम साउंड पे जाके आप या पोजीशन, मतलब अगर आपको एक साइड का स्पीकर प्ले करना है तो आप जैसे कि रियर का जो स्पीकर प्ले करना चाहते हो तो इसे आप ऐसे करके रियर की तरफ ले आइए, तब ये रियर का जो स्पीकर है दोनों वो बजेंगे। इसी तरह से आप लेफ्ट, फ्रंट और राइट यानी कि अब जब या रखोगे तो सिर्फ ड्राइवर साइड का जो स्पीकर होता है वो ही बजेगा। अब जाते हैं इक्वलाइजर में, यहाँ आप बेस को कंट्रोल कर सकते हो। देखिए बेस और नीचे दिया गया है ट्रिबल और मिडिल में है मिड, ये जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा है मिड में। और ट्रिबल मैंने फुल करके रखा है और बेस भी मैंने फुल करके रखा है। अब वॉल्यूम रेशियो, अगर आप रिवर्स में इसको ऑन करके रखते हो, जब आप रिवर्स गियर लगाते हो तो ये साउंड अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, और आप स्टीयरिंग में जो बटन दिया है इसी में से आप वॉल्यूम प्लस और माइनस कर सकते हो। इसे मैंने माइनस कर दिया और ये प्लस, यहाँ से भी प्लस कर सकते हो और यह मूट हो जाएगा। और इस साइड आप गाने को नेक्स्ट कर सकते हो, कम कर लेते साउंड थोड़ा। तो यहाँ पे आप जो अपना गाना है वो नेक्स्ट कर सकते हो, ये देखिए नेक्स्ट हो गया गाना। और इसमें आप प्रीवियस का जो गाना है वो सुन सकते हो। और ये मोड बटन है FM, AM और मल्टीमीडिया के लिए, ये जब आप दबाओगे तो AM, FM में चेंज होता रहेगा। अब दोस्तों इसमें आप पेन ड्राइव लगा के वीडियो चला के देखते हैं कि इसका वीडियो जो पिक्चर क्वालिटी है वो कैसा है। और मैंने यहाँ लगा दिया है, देखिए एक पेन ड्राइव, और यहाँ से आप अपना फाइल सिलेक्ट कर सकते हो वीडियो में जाके। रोकिए, लिस्ट, यह है लिस्ट, तो यहाँ से हम पूरा लिस्ट मिल जाएगा हमको। और जैसे कि आपको एक वीडियो का प्ले करके दिखाता हूँ, सुनिए और देखिए
इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है? साउंड थोड़ा हाई कर देते। चलिए अब दूसरा गाना ले लेते हैं। और ये है दोस्तों छौ नाच, पुरुलिया का जो फेमस छौ नाच है, ये वर्ल्ड फेमस छौ नाच है। आप भी देखिए थोड़ा सा, और इसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, आप खुद देख सकते हो। ये देखिए, तो दोस्तों आपके मन में अगर कोई डाउट है तो मैं बोल रहा हूँ आपको, आप नो डाउट है कि ये कार खरीद सकते हैं। इसका जो म्यूजिक सिस्टम है बहुत ही अच्छा, और इसका जो बस बेस है ना वो बहुत बढ़िया है। आपको साब ऊपर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप एकदम मतलब नो डाउट है कि आप इस कार को खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों ये जो प्ले होगा ना, ये जो कार जो स्टार्ट होगा तो ये वीडियो अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि ड्राइविंग मोड पे इसका वीडियो नहीं ऑन होगा। तो आप दिखाता हूँ आपको, ये मैंने लगा दिया एक नंबर गियर, और इस इंजन को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ये अपने आप बंद हो जाएगा, और ये मैंने कर दिया स्टार्ट, देखिए ये बंद हो जाएगा। और ये लिखा है कैन नॉट ओवरहीट व्हाइल ड्राइविंग, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर पार्किंग द व्हीकल। मतलब आप ड्राइविंग जब कर रहे होंगे तो इसमें वीडियो नहीं चलेगा, आप जब खड़े होंगे तभी इसका वीडियो चलेगा, क्योंकि इसके ड्राइवर के सामने इसका डिस्प्ले है तो ड्राइवर का माइंड कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ड्राइविंग पे इसका जो वीडियो है वो नहीं चलता है। और दोस्तों इसमें आप एंड्रॉयड ऑटो भी प्ले कर सकते हो, उसी में से आप गाना भी सुन सकते हो और अपना नेविगेट कर सकते हो अपने प्लेस को। तो उसके जो एंड्रॉयड ऑटो है वो कैसे कनेक्ट कर दिया जाता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आई बटन पे जाके देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये जो मेरा चैनल है वो इसको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपले वीडियो में। तो आज के लिए चलते हैं, गुड बाय।